सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना ना जाने मेरा हे रब हे सस हे करुणा निद मेरी अबे बिनती सुन लीजे और न मांगत हो तुम ते कश चाहत हो चित में सोई कीजे शस्त्रन तो अत हीरन पीतर जूझ मरो तो साच पतीजे संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम है वरदी जे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो इहो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन दिखे जन्म तुम्हारे लेके
जी मेरा जन्म तुम्हारे ले
गुरु प्यारी सात संगत जीओ, सतगुरु ने महान महान बख्शिश की है, आप सारियां मिलके बैठने का समा बख्शिश किया है। असी सारे सतगुरों के चरणों के विच पहुँच के बेनतियां करन वास्ते, अरदासां बेनतियां करन वास्ते अपने मन को सतगुरों के चरणों के नाल जोड़ना है। भाई इत्थे ते तन आ जांदा है पर मन नहीं आउंदा। जदों साडा मन भी सतगुरों के चरणों के विच आ जाएगा तां ही साडी हाजरी सतगुरों के चरणों के विच लगेगी। सतगुरां ने यह तन बख्शिया है, यह जीवा बख्शी है। असी कहिंदे सतगुरां ने जीवा खाण पीण वास्ते, निंदिया चुगली करन वास्ते बख्शी है, पर महाराज कहिंदे इसदा होर भी काम है। वो कहिंदे इस जीवा ने नाम जपना सिमरन करना, यह भी इस जीवा का काम है। कहिंदे जिहड़ी जीवा नाम नहीं जपदी, सिमरन नहीं करती, उसका हाल की होएगा? महाराज फरमाउंदे ने जे तू नाम ना जपेगी जीवा मेरिए दिल दिल कटी जाएगी, जे तू नाम ना जपेगी जीवा मेरिए दिल दिल कटी जाएगी, जे तू नाम ना जपेगी जीवा मेरिए दिल दिल कटी जाएगी, जे तू नाम ना जपेगी जीवा मेरिए संगत जीओ। असी नाम नहीं जपते, सिमरन नहीं करते, इस करके दुखी हाँ। सतगुरों ने सानू पहला तो मनुखशा तन बख्श दिता, फिर महल माड़िया गड्डिया मोटर जमीन जायदादा बख्श दतिया। असी सोहने घर के बैठीए तो कहते हैं भी बड़ा आनंद आया, सोहनी गड्डी बैठीए कहते बड़ा आनंद आया, सोहने दफ्तर दे विच बैठिए कहिंदे बड़ा आनंद आया। पर महाराज कहिंदे ने ये दुनिया दे झूठे आनंद ने, ते असली आनंद किहड़ा है? वो है सतगुरां दी बाणी दा, सेवा दा, सिमरन दा, सत्संग दा। गुरु महाराज कहिंदे ने जदों असीं बाणी पढ़दे हां सुणदे हां ते सानूं असली आनंद आउंदा है, ये सत्संग चंगे कर्मां तो बिना नसीब नहीं हुंदा। महाराज कहिंदे ने पागां तो हीणियां नूं सतसंग नहीं आउणा मिलदा है, पागां तो हीणियां नूं सतसंग नहीं आउणा मिलदा है, पागां तो हीणियां नूं सतसंग नहीं आउणा मिलदा, पागां तो हीणियां नूं सतसंग नहीं आउणा मिलदा, सतसंग नहीं आउणा मिलदा है, सतसंग जिहड़ी तन की भुख है,
इंसान सोने वस्त्र पहन के खत्म कर लेंदा। ढिड की भुख असी भोजन छक के चंगी मठियाइया छक के दूर कर लेंगे। एक मन की भुख है तन की खुराक, ढिड की खुराक एक है मन की खुराक। मन की खुराक केड़ी है? वो गुरु प्यारो मन मंगता है गड्डिया, मन गड्डी ले दो यदि भुख नहीं लगती। मन मंगता है कोठिया, इस मन को कोठी पा दो पर इसकी भुख नहीं लगती। गुरु प्यारो ये मन मंगता है गड्डिया, गड्डी ले दो इसकी भुख नहीं लगेगी। ये मन मंगता है कोठिया, कोठी बना दो पर इसकी भुख नहीं लगेगी। वड्डे तो वड्डा काम कर लिए गुरु प्यारो, मन की भुख कदे भी नहीं लगेगी। महाराज कहिंदे इसका इलाज की है? जिन्ना मर्जी धन जोड़ लिए, जिन्ने मर्जी वड्डे बन जाइए पर मन रजेगा नहीं। मन का इलाज ये महापुरश दसते ने भी भुख मन की कदे ना उतरे। पांडुआ ने एक विशाल जग रचाया, युद्ध विच होई जीव हत्या दे पछतावे वाले उस जगशाला दे विच वड्डे वड्डे देवी देवते ऋषि मुनि महात्मा नूं न्योते दिते गए। देवी देवते ऋषि मुनि महात्मा पांडुआ दी जगशाला दे विच पहुंचे। सतसंग जी, पिछले समयां दे विच जदों किसी ने कोई कारज करना हुंदा उन्हां कोई ना कोई निशानी रखी हुंदी सी, उसदे वजण दे नाल बोलण दे नाल पता लग जांदी साडा कारज सिद्ध हो गया है जां नहीं। पांडुआं ने कढाईया संख रख दिता मेज दे उत्ते। जदों उह अपने आप वजणा सी ते पांडुआं दा जग संपूर्ण होना सी। देवी देवते ऋषि मुनि जदों भोजन छक चुके अरदासा बेनतियां कीतियां पर मेज ते पिया ढाईया संख वजिया ने। सारे देवी देवते ऋषि मुनि महात्मा हैरान हो गए। पांडुआ ने कृष्ण महाराज के चरणों में बिनती की कि महाराज जी साडा जग संपूर्ण क्यों नहीं होया? कृष्ण महाराज कहन लगे वो जिन्हां ने जग संपूर्ण करना सी तुसी उन्हां नूं जग दा न्योता दिता है। पांडव कहिंदे महाराज वो कौन ने? कृष्ण महाराज कहिंदे वो अजर अमर त्रैकाल दर्शी दुनिया दे मालक प्रभु वाल्मीक महाराज। कृष्ण महाराज ने कहा भी बड़ी श्रद्धा दे नाल तुसी प्रभु वाल्मीक महाराज दे आश्रम विच जाके उन्हां नूं जग दा न्योता दे के आओ। पांडव भरा तुर पे अर्जन ते भीम नंगे पैरी प्रभु वाल्मीक महाराज दे आश्रम नूं। गुरु प्यारो आश्रम दे विच पहुंच के दोनों हाथ जोड़ के बड़ी श्रद्धा दे नाल बेनती कीती पांडुआ ने
वाल्मीक गुरु लिखते जिके दिन सिपा दे वाल्मीक गुरु लिखते जिके दिन सिपा दे करते मेल दिया नजरा यार गरीबा दे करते मेल दिया नजरा यार गरीबा दे वाल्मीक गुरु लिखते जिके दिन सिपा दे वाल्मीक गुरु लिखते जिके दिन सिपा दे करते मेल दिया नजरा यार गरीबा दे करते मेल दिया नजरा यार गरीबा दे लेके तेरा नाम सतगुरु हाथ जोड़ के विनती की अजर अमर त्रैकाल दर्शी प्रभु वाल्मीक महाराज के चरणा दे जी जग कर दो संपूर्ण मेरा वाली जी जगत दया जग कर दो संपूर्ण मेरा वाली जी जगत दया जग कर दो संपूर्ण मेरा वाली जी जग परमेश्वर अजर अमर त्रैकाल दर्शी आदि पुरख अविनाशी प्रभु वाल्मीक महाराज पांडुआं दी श्रद्धा नूं देखिया जग दा न्यौता स्वीकार कर लिया। उधर कृष्ण महाराज ने द्रौपदी नूं हुक्म कर दिता कि तू अपने हत्थां दे नाल भोजन तैयार करना है। द्रौपदी हर एक भोजन बनाउण दे विच बड़ी चतुर सी। कृष्ण महाराज की आग्ञा मन के द्रौपदी ने 36 प्रकार के भोजन तैयार कर दिते।
गुरु प्यारो दुनिया दे वाली अजर अमर त्रैकाल दर्शी प्रभु वाल्मीकि महाराज जी पांडुआं दी जगशाला दे विच आए, अपने आसना ते विराजमान होए। पांडुआं दी श्रद्धा नूं परखिया प्रभु वाल्मीकि महाराज ने जदों द्रौपदी ने भोजन परोसिया। प्रभु वाल्मीकि महाराज ने सारे भोजन कट्ठे मला लए। द्रौपदी मन ही मन विच कह रही है कि मैं 36 प्रकार के भोजन तैयार किए, प्रभु वाल्मीकि महाराज ने सारे कट्ठे मला लए। मन विच हंकार आ गया द्रौपदी। गुरु प्यारो जदों मन की जाड़ी प्रभु वाल्मीकि महाराज ने द्रौपदी नूं कहन लगे, तेरे मन में अहंकार है कि सब तो वड्डा जग असी कीता है 36 प्रकार के भोजन। कहिंदे मेरी जिप्पी विच देखो। जदों द्रौपदी ने निगाह मारी 36 प्रकार के भोजन उवें सजे पए, पर द्रौपदी के मन की श्रद्धा टुट गई। महाराज की कहिंदे ने, श्रद्धा टुट जाती है मन विच ने पैने शंका, श्रद्धा टुट जाती है मन विच ने पैने शंका, श्रद्धा टुट जाती है मन विच ने पैने शंका, श्रद्धा टुट जाती है मन विच ने पैने शंका, श्रद्धा टुट जाती है मन विच ने पैने शंका, श्रद्धा टुट जाती है प्यारो। प्रभु वाल्मीकि महाराज ने जदों द्रौपदी दे मन की श्रद्धा नूं देखिया, अपने आसना तो उठे ते अपने आश्रम नूं चले गए। रौला पै गया पांडुआं दे विच भी, साडा जग फिर भी संपूर्ण नहीं होया। प्रभु वाल्मीकि महाराज जी भी आए सन। कृष्ण महाराज ने संघ कोलों पुछया भी तू बोलदा क्यों नहीं। संघ बोलिया, महाराज इसका कारण द्रौपदी कोलों पुछ। जदों कृष्ण महाराज ने इसका कारण पुछया द्रौपदी कोलों, ते द्रौपदी ने सारी वार्ता दस दिती कि मैं 36 प्रकार के भोजन बनाए सन, प्रभु वाल्मीकि महाराज ने सारे कट्ठे मनाए। मेरे मन में शंका हो गई, प्रभु वाल्मीकि महाराज जी मेरे मन की जान के अपने आश्रम में चले गए। कृष्ण महाराज कहिंदे, ओ कहिंदे द्वारा फिर प्रभु वाल्मीकि महाराज को बुलाओ बड़ी श्रद्धा दे नाल, ते मन नु शुद्ध करके रब तो डर के डरिए करतार तो जी मंदे ना भूल बोलिए, डरिए करतार तो बोलिए।
कृष्ण महाराज के चरणों के बेनती की वे हुण की कीता जाए, साडा जग संपूर्ण किवें होवेगा। पांडुआ ने बेनती की कृष्ण महाराज के चरणों के विच कि साडा जग संपूर्ण किवें होवेगा। कृष्ण महाराज कहण लगे इत्थे प्रभु वाल्मीकि महाराज ने संपूर्ण करना है। पांडव कहिंदे महाराज किसे होर कोलों करा दिओ, देवी देवते ऋषि मुनि महात्मा बड़े बैठे ने, किसे होर कोलों जग संपूर्ण करा दिओ। कृष्ण महाराज कहिंदे नहीं, ओ दुनिया दे वाली आदि पुरख अविनाशी रामायण रचयिता उन्होंने ही तुहाडा जग संपूर्ण करना है। जाओ मन नूं शुद्ध करके प्रभु वाल्मीकि महाराज दे आश्रम दे बड़ी श्रद्धा दे नाल गल दे विच पल्ला पा के अरदास बेनती करनी है। गुरु प्यारो कृष्ण महाराज के हुक्म अनुसार पांडु भरा तुर पै, अर्जन ते भीम गल दे विच पा लै पल्ले नंगे पैरी, प्रभु वाल्मीकि महाराज के आश्रम नूं तुर पै। पहुँच गए, दोनों हाथ जोड़ के बेनती की महाराज के चरणों के विच, आगे पापा जी तेरे नाम दे भिखारी, 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 आगे पापा जी आगे।
बड़ियां अरदासां बेनतियां कीतियां प्रभु वाल्मीक महाराज के चरणों के विच। प्रभु वाल्मीक महाराज जी कहिंदे भी हुण सौ छवें जग का फल दोगे तो जावांगा। पांडव भरा अर्जन ते भीम शशो पंज विच पै गए कि महाराज ने की कह दिता है, भगवान वाल्मीक महाराज ने की वचन कर दिता है। पांडुआ ने कृष्ण महाराज दे कोल जाके सारी वार्ता दस दिती ते द्रौपदी सुन रही सी। द्रौपदी ने सुन के कृष्ण महाराज दे चरणों दे विच बेनती की, ये मेरे कारण सारा कुछ होया, तुसी मैनू हुक्म करो, मैं दुनिया के मालक अजर अमर त्रैकालदर्शी प्रभु वाल्मीक महाराज नू खुद लैके आउंदी हां। कृष्ण महाराज ने द्रौपदी नू हुक्म कर दिता। द्रौपदी ने गल दे विच पाया पल्ला, नंगे पैरी तुर पई प्रभु वाल्मीक महाराज के चरणों के विच। तुरी जा रही है वो समा याद आ गया जदों मन में हंकार आया सी वी साडे वर्गा जग अज तक किसी ने नहीं किया, एडा वड्डा जग, वो समा याद आ गया। अज द्रौपदी पछताउंदी है उस समय नूं याद करके कहिंदी है, रब चेते रखिए जी, रब चेते रखिए जी, माण ना करिए माण। अखां दे विच हंजू डिग रहे ने, सोचा सोचती है कि अज भी भगवान वाल्मीक महाराज जी मेरे नाल जगशाला विच किते ना आए ते साडा जग फिर संपूर्ण नहीं होना। द्रौपदी ने बेनती की महाराज के चरणों के विच, तुरी जा रही है अखां विच हंजू डिग रहे ने, पता लगा भी प्रभु वाल्मीक महाराज तो बिना जग संपूर्ण नहीं होना। बेनती करती कहती है, भी कोई किसी दा किसी दा कोई मेरा ही को तू ही मालिक, कोई किसी दा किसी दा कोई मेरा ही को तू ही मालिक, कोई किसी दा किसी दा कोई मेरा ही को तू ही मालिक। Yeah।
पैरी तुरी जा रही है, अखां विच हंजू डिग रहे ने। पहुंच गई प्रभु वाल्मीक महाराज के दरबार दे, विनती करती है, अरदास करती है, बख्शदियो बख्शदियो महाराज जी भुला बख्शदियो 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 महाराज 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 जी भुला बख्शदियो बख्शदियो महाराज के चरणों उत्ते अपना सिर रख देता, बेनती करती है, महाराज जी मेरे को भुल हो गई है, माफ कर दिओ, साडा जग संपूर्ण कर दिओ, तुहाडे तो बिना होर कोई नहीं, तुसी मालक हो दुनिया के, रामायण रचयिता हो, जगत के वाली हो, मेरिया गलतियां नू माफ कर दिओ, साडा जग संपूर्ण कर दिओ। प्रभु वाल्मीकि महाराज जी कहन लगे, जे सौ समेत जग का फल दोगे तो जावा। द्रौपदी सोचा सोच रही है, मन विच ख्याल आया द्रौपदी दे, कहन लगी महाराज जी कदम कदम चल के तुहाडे दरबार दे विच पहुंची हाँ, जिन्हें जगां का फल लेना चाहो इन्हां विचों लै लो, ते साडा जग जरूर संपूर्ण करो। प्रभु वाल्मीकि महाराज जी दया दे घर विच आ गए, द्रौपदी दे मन की शरदा नू देखिया, प्रभु वाल्मीकि महाराज जी बड़े खुश होए, दया दे घर विच आ गए प्रभु वाल्मीकि महाराज जी, जग का न्योता स्वीकार कर लिया। गुरु प्यारो पहुँच गए पांडुआ दी यज्ञशाला दे विच, अपने आसना ते विराजमान होए, भोजन परोसया गया। जदों पहली ग्राही मुख दे विच पौण लगे, जिहड़ा मेज ते पिया सी ढाईया संग, वो बड़े जोरां दे नाल वजण लग पिया, पांडुआं दा जग संपूर्ण हो गया। देवी देवत्यां ने फुल्लां दी वरखा कीती, रिशी मुनि पीर पकंबर सारे उस जगशाला दे विच सन, दोनों हाथ जोड़ लै, गल दे विच पा लै पल्ले, अरदासां बेनतियां करदे प्रभु वाल्मीकि महाराज दी उस्तत करदे, कहिंदे ने कोई अल्लाह अल्लाह कह के बाजा मार।